देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये जो टूर्नामेंट अमदार चषक जो फारूक भाई मित्र मंडल की तरफ से आयोजित किया गया है, पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा बिकॉज फर्स्ट क्लास लेवल पे सब चीज़ें हो रही है यहाँ पे, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में होता है आजकल उसको फर्स्ट क्लास नहीं बोलते, ए ग्रेड क्रिकेट बोलते हैं, तो ए ग्रेड क्रिकेट लग रहा है ये सब। और जितना फिटनेस के लिए और बॉडी के लिए खेल आवश्यक है उतना ही हमको प्रदूषण से मुक्त रहने के लिए बैटरी वाली गाड़ी या ईवी व्हीकल्स का यूजेज बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आज भारत सरकार पिछले फाइनेंशियल ईयर में करीबन 138 बिलियन यूएस डॉलर हमने खर्चा किया था तेल आयात के लिए, तो अगर हमारा 50% पॉपुलेशन ईवी यूज़ करना चालू करेगा तो ये बहुत सारा पैसा हम लोग बचाएंगे। पैसा कितना है इसका, 138 बिलियन यूएस डॉलर्स बोले तो कितना है ये समझ में नहीं आता है आम आदमी को। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई केबीसी टाइप प्रोग्राम में अगर 1 करोड़ रुपए रोज बांटे जाए और रोज 1 करोड़ जीते जाए तो 30 साल लगेंगे 138 बिलियन बांटने के लिए। तो ये सारा पैसा बचेगा तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। हम लोग कल हाईवे से आ रहे थे, कई जगह पे काम अधूरे थे, ये सारे काम पूरा होने के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग देश सेवा करना ही होगा। अगर आप ई बाइक खरीदते हो जो ई बाइक, तो आप देश सेवा ही करोगे। तो क्रिकेट खेलो, साइकिलिंग करो, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो और ई व्हीकल के ऊपर घूमो, यही संदेश रहेगा मेरा। धन्यवाद सर। फारूक अहमद मित्र मंडल की तरफ से आयोजित सैयद फारूक पाशा आमदार चषक के आज के इस मैच को देखने के लिए जॉय ई बाइक कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुनील चाकू सर और जोनल हेड जो है हमारे बोधिले सर, ये दोनों ने भी खास वक्त निकाल कर आज वो खुद आए हैं। इस मैच का टॉस भी उन्हीं के माध्यम से उछाला गया था और वो खुद ये मैच का पूरा आनंद ले रहे हैं। उम्मीद है कि आज का मैन ऑफ द मैच देने तक भी सर की उपलब्धता आज मैदान में रहेगी। जॉय ई बाइक कंपनी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक लीडिंग कंपनी है और हम सर का और जॉय ई बाइक कंपनी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने नांदेड़ की डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमको दी है और वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप की लॉन्चिंग का इवेंट भी इत्तेफाक है कि अभी अपने चषक का टाइम होना और हमारा अप्रूवल होना, शोरूम का काम चलना एक ही हुआ है और इसीलिए सर विज़िट के लिए भी आए थे, तो इस इवेंट पे भी उन्होंने विज़िट किया। तो हमें लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर नांदेड़ को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक के लिए और इवन लाइसेंस वाली और बिना लाइसेंस वाली, ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए माँ बाप चाहते हैं कि लो स्पीड की गाड़ी हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा वैरायटी जॉय देती है। इसलिए हमने कोशिश की है ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए ताकि लो स्पीड की गाड़ियाँ देकर माँ बाप भी सुकून में रहे कि अपना बच्चा 15-20 के ऊपर वो गाड़ी भगाएगा ही नहीं। तो ये एक अच्छा खूबी है जॉय बाइक्स की। तो उम्मीद है कि सर ने इस इवेंट को जो वक्त दिया है तो वो बहुत फ्रूटफुल होगा। आने वाले वक्त में जैसे टूर्नामेंट हिट हुआ है उसी तरह जॉय कंपनी की बाइक भी हिट करेंगे, उसके लिए पूरी हम मेहनत करेंगे जान तोड़कर, इतना हम कंपनी को एश्योर करते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में टूर्नामेंट भी और जॉय बाइक भी दोनों भी सुपर हिट रहेंगे।